चौधरी जी, मैं बिहार से हूँ, मुझे इस गौरवपूर्ण सदन में बोलने का मौका मिला है, मैं आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, जो बिल लेके आए हैं, तो उत्तर जी आपकी कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही, आप विषय पे नहीं बोल रहे हैं। आपका जो काम लिया गया तो नहीं, दोबारा मौका मिला आपको विषय पर बोलने के लिए। और पोरबंदर जिले के महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि और सुदामा जी की जन्मभूमि जाए, इसलिए जहाजों और जहाजों को चलाने के वाले की परिस्थितियों और कठिनाइयों को मैं भली भांति जानता हूँ। इस भी रहने से सारी कठिनाइयों दूर हो जाएगी और एक सूत्रता आएगी। इस बिल के अनुसार बिल में सीट नाव पाल वाले जहाजों, कंटेनर जहाज और फेरिज वगैरह को शामिल कर दिया है। इस बिल में रजिस्ट्री का सभी राज्यों को दी गई है, जो रजिस्ट्रेशन सारे देश में चलेगा। जल क्षेत्र की अवधि सीमा क्षेत्र भी निश्चित होगा। इस बिल से जहाजों का सुरक्षा प्राप्त होगी, यह बात अवश्य जरूरी है। कुछ नियमों पालन करने के वजह से खतरे में मदद मिल जाएगी और वो दुर्घटना से बच जाएगा। साथों साथ केंद्र सरकार अंदर में सीधा केंद्रीय कृषि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो जाएगा। इस रिकॉर्ड में जहाजों का रजिस्ट्रेशन, चालक दल और मैनेजिंग और जारी किए गए सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इस बिल में डेवलपमेंट फंड का प्रावधान किया गया है, जिससे हर राज्य सरकार की योजनाओं, स्टेट होल्डर्स और जहाज के टूटे फूटे हिस्सों का कारोबार को बिक्री से मिलने वाली राशि धीरे धीरे से इस बिल से राज्य सरकार को गैर संचार चालित जहाजों के पहचान और वर्गीकरण के लिए माध्यम निर्णय करने के अधिकार मिलेगा। और ये हटाना चाहते वो खुद हट जाएगा 24 में, वैसे आप से हटने वाला नहीं है। मोदी आप सबको हटा के कर जाएगी, इसके पहले कर नहीं जाएगी। तो आप समझाओ, काफी अपना व्यक्त बर्बाद हो रहे हैं, हम सब टैक्स पेयर है, काफी लोग टैक्स भर के और इसका सरकार का नुकसान कर रहे हैं। आपको लोगों ने भेजा है देश के हित में काम करना का, देश के हित में बिल लेने का। जय जय भारत, जय श्री राम। कनक रविंद्र कुमार, माननीय कनक।